गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आपके नवम पाठ यानी चैप्टर 9 जिसमें गणना बताया गया है। गणना का अर्थ क्या होता है बच्चों? गिनती। क्या होता है? संस्कृत में गिनती को क्या बोलते हैं? गणना बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है वन एक को संस्कृत में क्या बोलते हैं? एकह। ठीक है, एक को संस्कृत में बोलते हैं एकह, एका, एकम। ठीक है, दो को संस्कृत में बोलते हैं द्वो, द्वे और द्वे। ठीक है, तीन को संस्कृत में बोलते हैं त्रयः, त्रिंशः, त्रिणी। ठीक है, और चार को संस्कृत में बोलते हैं चत्वारः, चतस्रः और चत्वारिः। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें तीन तरीके की गिनती दी हुई है। ठीक है, जैसे कि एक, अब इसमें देखो ये पुल्लिंग है, ये जितने भी शब्द हैं वो क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़े हैं आप पिछले चैप्टर में, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सब क्या है? पुल्लिंग है, यानी कि पुरुष जाति के हैं। ये जितने भी शब्द हैं बच्चों ये कौन सी जाति के हैं? स्त्रीलिंग के। ठीक है, तो ये स्त्री जाति के हैं और ये नपुंसकलिंग है। ठीक है, क्या है ये? नपुंसकलिंग, ये सारे। ठीक है, तो जो चार तक गिनती होती है बच्चों, चार तक, ठीक है, तो वो संस्कृत में तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। जैसे कि पुरुष में एकह लिखा जाता है, एकह बालकः, अगर वहीं पे स्त्रीलिंग हो जाएगी तो एका बालिका। ठीक है, अगर वहाँ पे नपुंसकलिंग है या पुस्तक, नपुंसकलिंग है, ना तो स्त्री है ना ही पुरुष है, तो ये एकम पुस्तकम। ठीक है, तो चार तक जो गिनती होती है बच्चों वो संस्कृत में तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग बोली जाती है। जहाँ पे पुल्लिंग होगा वहाँ पे एकह लिखा जाएगा, जहाँ पे स्त्रीलिंग की बात की जाएगी वहाँ पे एका लिखा जाएगा, जहाँ पे नपुंसक लिंग की बात की जाएगी वहाँ पे एकम लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एकह अश्व है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ बालकः, बाल कह, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा, तो बाल कह कौन हुआ? छात्र हुआ, लड़का हुआ, है ना, तो वो किस में आएगा? पुरुष जाति में आएगा, तो पुल्लिंग होगा, तो इसके आगे लगेगा एकह बाल कह। ठीक है, जो इसके पीछे देखो यहाँ पे क्या है? कह है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? कह आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है एका, तो जैसे यहाँ लिखा मैंने बालिका, बालिका कौन होती है? लड़कियाँ। ठीक है, तो यहाँ आएगा एका बालिका, क्योंकि ये स्त्रीलिंग जाति का है, तो एका यहाँ पे भी, लास्ट में का यहाँ पे। अब इसमें देख लीजिए एकम आम्रम। ठीक है, आम्रम इस तरीके से लिखते हैं आम को। ठीक है, तो आम किस में? ना तो स्त्री जाति का ना ही पुरुष जाति का है, तो इसको आम्रम लिखेंगे, है ना, और इसके आगे जो एक लिखेंगे वो लिखेंगे एकम। ठीक है, जैसे यहाँ पे म है एकम, ठीक है, यहाँ पे जैसे माँ है वैसे आम्रम में लाज। ठीक है, तो जो चार तक गिनती होती है बच्चों, मैं फिर से बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, वो अलग अलग होती है तीनों लिंगों में। जैसे कि दो है तो दो को पुल्लिंग में बोलेंगे द्वो, ठीक है, जैसे गजो। तीन को पुल्लिंग में, द्वे को स्त्रीलिंग में बोलेंगे द्वे, जैसे लते और द्वे। और यहाँ पे भी देखिए लास्ट में एक ही मात्रा है, और यहाँ पे भी लास्ट में एक ही मात्रा है। इसमें देखिए औ की मात्रा है और इसमें लास्ट में औ की मात्रा है। ठीक है, अब इसमें देखिए द्वे, इन दोनों में समान होते हैं, नपुंसकलिंग और क्या कहते हैं, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में समान होंगे। ठीक है, द्वे और द्वे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी देखिए लते और इसमें कमले, दोनों में लास्ट में एक ही मात्रा है, इसीलिए दोनों में समान होंगे। त्रय सुकः, इसमें देखिए, उसके बाद त्रिंश बालिका, तो तीनों लिंगों में जो है बच्चों ये अलग होते हैं। चत स्त्रह मक्षिका, स्त्रीलिंग में जो होगा चार को बोलेंगे चत स्त्रह, ठीक है, स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग में बोलेंगे चत्वारः बालका। ठीक है, और नपुंसक लिंग में बोलेंगे चत्वारी। ठीक है, एक से चार तक की गिनती संख्यावाची शब्द के रूप में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होते हैं। चार से आगे की गिनती के रूप तीनों लिंगों में समान रहते हैं। अब चार के आगे जो भी गिनती आएगी,
पांच, छह, सात, आठ, वो सब तीनों लिंगों में एक ही जैसी रहती है, वो बदलती नहीं है। अब जैसे कि पांच इसमें भी रहेगी, पंचह सुकह, पंचह बालिकह, पंचह कमलानी, तीनों लिंगों में सेम ही पंच का पंच ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन चार तक जो है वो तीनों लिंगों में अलग अलग लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इतना ही बता रही हूँ। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को इसके आगे की गिनती बताऊंगी। तब तक आप लोग इतना रीडिंग करेंगे और समझेंगे, और जो नहीं समझ आता है वो स्कूल में आके चाहे तो पूछ सकते हैं, जब कॉपी चेक कराने आते हैं, या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।